हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशन हब। तो अभी मैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं कि जेई मेंस और नीट पर जल्द फैसला हो सकता है और इस दिन परीक्षा जो है आयोजित हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब से बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आखिर नीट का रजिस्ट्रेशन कब होगा, नीट कब हो सकती है, डेट क्या जो 1 अगस्त डेट दी गई है क्या उसी पर एग्ज़ाम होगी। तो ये सारे बातों को चलिए क्लियर करते हैं। ये अपडेट देखिए, बड़ी खबर, जेई मेंस पर फैसला जल्द, इस दिन आयोजित हो सकती है नीट यूजी की परीक्षा। अगर ये बात देखें तो नीट यूजी की परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित की जा सकती है, मगर अभी तक ये सूत्र अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि 1 अगस्त को ही एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि लगभग अभी 45-46 दिन या फिर 44 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, और लगभग नीट का जो फॉर्म फिलिंग में कम से कम 1 मंथ का समय लगता है, और उसके बाद फिर फिल होने के बाद फिर करेक्शन के लिए आप लोग को भेजा जाता है, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड बनती है, सेंटर व्यवस्था की जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लगभग आपका 30-40 दिन में ये कंप्लीट होने वाला है, तो समय लगेगा। शिक्षा मंत्रालय जल्द ही इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेंस के 2 शेष संस्करणों और मेडिकल प्रवेश नीट की आयोजन का फैसला कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि जेई मेंस के लंबित संस्करणों के शेड्यूल पर किया जाएगा स्थिति की समीक्षा की जा रही है, वहीं नीट यूजी की परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित की जा सकती है। ये कंफर्म नहीं है बट की जा सकती है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आखिर कंफर्म नहीं है, की जा सकती है क्यों, तो सभी यही बात कह रहे हैं कि अभी ये जो नीट एग्ज़ाम का डेट रखा गया है 1 अगस्त, ये अभी कंफर्म नहीं है, आयोजित हो सकती है, क्योंकि कोविड के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं थर्ड वेव इसका शुरू भी हो गया है ना, तो इस वजह से इसको अभी कह पाना कि बिल्कुल और बिल्कुल जो नीट है वो अपने समय पर ही होगी, ये अभी बिल्कुल संभावना इसकी नहीं बताई जा रही है। क्योंकि अभी कुछ ऐसे देश है जहाँ पर थर्ड वेव आ गया है जो बच्चों पर अटैक करना ज़्यादा हावी हो रहा है। अगस्त में हो सकता है जेई मेंस का आयोजन। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जुलाई के 3रे सप्ताह या अगस्त के 2रे सप्ताह में जेई मेंस परीक्षा आयोजित की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत परेशान थे बच्चे और ये बात कन्फर्म नहीं हुई थी कि बोर्ड परीक्षा होगी कि नहीं होगी, अंततः इसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था। अब देखना है कि क्या होगा एग्ज़ाम का और क्या एग्ज़ाम की जाती है या फिर नहीं होती है, ये देखना बिल्कुल बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी तक जो भी न्यूज़ अपडेट्स आए हैं उसमें तो ये बात सामने नहीं आया है कि एग्ज़ाम ली जाएगी। अब देखना है इसमें कितनी सच्चाई है और कब आखिर कब यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर आता है और एडमिट कार्ड आप लोगों का फॉर्म जो है वो फिल हो पाता है। बिकॉज़ अभी जो बात सामने आ रही है तो अभी तक फॉर्म फिलिंग की भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। पिछले साल जब मई में एग्ज़ाम हुई थी तो उससे पहले आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो चुका था दिसंबर तक में, अभी तक बट फॉर्म फिलिंग की कोई प्रोसेस सामने नहीं आई है। तो अभी तक जो भी लग रहा है उसके अनुसार कि नीट तो 1 अगस्त को नहीं हो सकता है, रिपोर्ट जो भी कहते हूँ, बट संभावना है कि नीट 1 अगस्त को नहीं होगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय प्लीज़ इसमें एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय को बताइए कि आखिर क्या हो सकता है और नीट कब होना चाहिए, अपनी अपनी राय बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।